आरोही, क्या तुम जानती हो धरती को माँ क्यों कहा जाता है? हाँ सही, मैं बिल्कुल जानती हूँ। धरती हमें हमेशा अपनाती है, चाहे परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो, और इन्हीं विशेषताओं के कारण ही वो हमारी माँ कहलाती है। सही कहा आरोही, धरती माँ के भीतर उनके कई परत मौजूद हैं, परंतु धरती माँ ने उनके परतों का प्रभाव कभी भी मनुष्य पे होने नहीं दिया है। धरती माँ के भीतर के परत सदैव सक्रिय रहते हैं, परंतु भीतर होने वाली इस प्रक्रिया के कारण धरती माँ ने कतई अपना संयम, सक्षम, धैर्य और धैर्य नहीं खोया है और मनुष्य की निरंतर रक्षा की है। हाँ सही, धरती माँ ने हमें अपने सर माथे पे सजाया है और उन्होंने हमें अपने आलिंगन में समाया भी है और हमें रहने के लिए खुद को ही एक स्थान में परिवर्तित किया है, परंतु मनुष्य को इस भेंट का मूल्य नहीं है। मनुष्य ने इस अमूल्य भेंट का हमेशा निराकर किया है और सदैव दुरुपयोग किया है। मनुष्य को बुद्धिजीवी कहा जाता है आरोही, परंतु मनुष्य का विचार तथा व्यवहार दोनों ही इस कहावत को विरुद्ध बना देते हैं, कारण मनुष्य ने स्वतः ही धरती माँ के दिए हुए इस विरासत से वह विलीन हो रहा है। हाँ सही, मनुष्य अपने ही अस्तित्व का विस्मरण कर चुका है, वह अपनी ही बनाई हुई मायावी दुनिया में खो भी चुका है, खुद की बनाई हुई रचनात्मक दुनिया में वो कैद हो चुका है, जिस कारण वो सदियों पहले से ही अपने ही बुद्धि से, अपने विचारों से बेघर हो चुका है। बिल्कुल सही आरोही, और इस रचनात्मक दुनिया में मानव खुद को ही श्रेष्ठ मान बैठा है, हालांकि वर्तमान काल में भी यही सत्य है कि धरती माँ सर्वश्रेष्ठ है, कारण मनुष्य के अतुल्य स्वार्थी कार्यों के विपरीत धरती माँ ने मनुष्य को आज भी गले से ही लगा रखा है। हाँ सही, मानव अपने ही बुद्धि से विशेष तरीके से बेघर होने के कारण वह अपने नैतिक मूल्यों का उपचार करना विस्मृत कर चुका है, जिस कारण मनुष्य के पीढ़ी भी विशेष रूप से बुद्धि और उनके विचारों से बेघर हो चुके हैं, जिसके चलते आने वाली पीढ़ियां नैतिक मूल्य को ना स्वीकारते हैं ना उसका पालन कर पाते हैं, जिसके कारण पीढ़ी दर पीढ़ी नैतिक मूल्य ना पहुंचने के वजह से मनुष्य जाति में एकता खत्म हो रही है। आरोही, आज हम दोनों यह प्रण लेंगे कि मनुष्य को हम धरती माँ का सच्चा निवासी बनाएंगे और हमारे पूर्वजों के इतिहास का ज्ञान उन्हें दोहराएंगे और हमारे धरती माँ को नई जीवन देंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ अपनी ही बुद्धि के बंधन में ना बंधे और अपने ही संसार में होकर भी बेघर ना हो जाए।